वेट करें, चेक किया जा रहा है सर आपके ये नंबर है ना अपना? जी सर जी, चेक किया जा रहा है सर, वेट करें। थैंक यू सर। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आप BSNL के कस्टमर केयर से बात कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में, आसान तरीका से मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को अगर आप एंड तक देख लेते हैं तो आप BSNL के कस्टमर केयर से बात कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, बिना टाइम गए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सिंपली आपको अपना डायलर पैड ओपन कर लेना है, ठीक है। अब डायलर पैड ओपन करने के बाद मैं एक कोड बताऊंगा, सिंपली आपको उस कोड को अपने BSNL के सिम से डायल करना है, ठीक है। चलिए क्या कोड है आइए देखते हैं। तो यहाँ पे जो कोड है 1503, यहाँ पे देख सकते हैं 1503, यानी कि 1503 आपको इसी को डायल करना है। चलिए मैं यहाँ पे डायल करता हूँ। यहाँ पे मैं आइडिया और BSNL का दोनों सिम यूज कर रहा हूँ, तो मैं BSNL वाले सिम से ही अपने कॉल करूँगा। आपको भी BSNL वाले सिम से कॉल करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे कॉल करते हैं और आगे का प्रोसेस बताते हैं। आप थोड़ा पेशेंस बनाए रखिएगा वीडियो में, ठीक है। यहाँ पे आपको एक दबा करके हिंदी चूज कर लेना है या फिर इंग्लिश चूज कर लेना, जो आप चूज करना चाहते हैं। यदि आप BSNL के दिव्यांग ग्राहक हैं तो 6 दबाएं। दोबारा सुनने के लिए # दबाएं। मेन मेन्यू में यहाँ पे आपको 5 दबाना है। प्रिय ग्राहक, आपकी कॉल हमारे ग्राहक सेवा प्रतिनिधि को हस्तांतरित की जा रही है। प्रिय ग्राहक, प्रशिक्षण और गुणवत्ता उद्देश्य हेतु आपकी कॉल रिकॉर्ड की जा सकती है। नमस्ते सर, मेरा नाम दीपेश है। सर यहाँ पे BSNL का मतलब नेटवर्क का इशू है, मतलब बहुत स्लो यहाँ पे नेटवर्क है सर। जी सर चेक किया जा रहा है। थैंक यू सर। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप BSNL के कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, बाय बाय फ्रेंड्स।